हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार और राम राम। हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों का बीएस एग्री हेल्पिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, बीएस एग्री हेल्पिंग चैनल के माध्यम से आज आपको एक नई और यूनिक जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं मिर्च के बारे में। मिर्च में इस समय बहुत ज्यादा बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारी को प्रकोप को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो दे दी जाए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की फसल को सुरक्षित महसूस हो सके। एक फसल को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है और उस फसल को हम बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और समय के अनुसार हम कोशिश करते हैं वीडियो देने के लिए, जिससे कि हमारे ज्यादातर किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिल सके और एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। तो चलिए आज हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, बीमारी के बारे में बात करेंगे, डोज के बारे में बात करेंगे और कितनी मात्रा किस समय किस तरह लगानी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉलर रूट्स के बारे में। मिर्च में अब इस समय कॉलर रूट्स का ज्यादा ही प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो इसमें मौसम के बदलाव होने की वजह से ये कॉलर रूट्स की बीमारी ज्यादा बढ़ने जा रही है और ये जो बीमारी है स्क्लेरोटियम रॉल्पिस के कारण होती है, जिसके कारण ये हमारे जो फंगस होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से हमारे पौधे को डैमेज कर देते हैं और हमारा पौधा होता है वो वहीं की वहीं डैमेज होकर गिर जाता है, जिसके कारण हमारे पौधे ज्यादा जब डैमेज हो जाते हैं तो हमारी क्या मिर्च में प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो उस प्रोडक्शन को बचाने के लिए हमने बहुत कोशिश करके इसकी जानकारी लेके सारी चीजें हमने फीडबैक लेके तब आपको वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इसको हम पहले फील्ड में लगवा के देखा और हमने देखे ट्रायल, तो इसकी ट्रायल बहुत ही बेहतर निकल गया है और इस समय हमने जो इसका फीडबैक देखा तो दोस्तों इसका 101% रिजल्ट मिल रहा है हर खेत के अंदर। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ में भी शेयर की जाए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉलर रूट से। आप देखते हैं कि जो हमारा मिट्टी के ऊपर से जो तना होता है वो गलने लगता है और वहीं से पूरा पौधा हमारा गिर जाता है। तो ऐसी बीमारी अगर खेत के अंदर आपके है तो आपको एक गलती कभी नहीं करना है। इस समय पे मौसम के बदलाव होने के कारण दोस्तों इस समय आप निराई कर रहे हैं, निराई करते समय आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल भी खेत में मिट्टी नहीं चढ़ानी है। आप देखते हैं कि कुछ हमारे किसान भाई क्या है, निराई करते समय मिट्टी को चढ़ा देते हैं, पौधे के पास में मिट्टी रख देते हैं और मिट्टी चढ़ाने से क्या है हमारा पौधा वहीं की वहीं डैमेज होने लगता है। दोस्तों, जहां पे अगर मिट्टी आप चढ़ाएंगे वहां पे समझ लीजिए पौधा आपका 100% डैमेज होना है। इस समय क्या है टेम्परेचर कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, उसके कारण क्या आपकी फसल नष्ट होने के ज्यादा संभावना रहती है। इसमें जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए उसके बाद में आप अपने खेत के अंदर मिट्टी चढ़ाइएगा। इसमें आपको बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद में मौसम धूप तेज निकल रही, तो अगर आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो वहां पे क्या है ठंड गर्म की वजह से फंगस एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या है प्लांट के पास में मिट्टी पहुंचते ही वो क्या है डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, अभी आपको बिल्कुल भी आपको मिट्टी नहीं चढ़ानी है, हल्की हल्की निराई करते रहिएगा आप और बाद में आप कुछ समय बाद मिट्टी चढ़ा दीजिए जब आपके यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो जाए उसके बाद। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के लिए। तो दोस्तों, इसको किस तरह हम कंट्रोल करें, कौन से टेक्निकल का यूज करें, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ प्रोफाइलर के बारे में, जो कि बायर कंपनी का था। प्रोफाइलर एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फंजीसाइड है। इसमें जो टेक्निकल दिया गया है दोस्तों, फ्लुओपिकुलाइड 4.44% प्लस फोस्टाइल एल्यूमिनियम 66.67% WG फॉर्म में दिया गया है। ये WG का मतलब वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, छोटे छोटे दाने के रूप में। ये कॉन्टेक्ट एंड सिस्टमेटिक एंड ट्रांसलेमिनार तीनों एक्शन है एंड ये एक प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव दोनों में ही काम करता है, रोग आने से पहले और रोग आने के बाद। A to Z जानकारी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे, सेकेंड पार्ट में। इसमें हम आपको डोज के बारे में बता देते हैं। आपको अगर आपकी फसल के अंदर बीमारी आ चुकी है, इस तरह की जो आपकी कॉलर रूट्स वाली दिक्कत आ चुकी है, तो आपको 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में मिक्स करके देना है। यानी मतलब 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर पानी में आपको 3 से 4 ग्राम देना है अगर खेत के अंदर बीमारी आ चुकी है तब। अगर खेत के अंदर बीमारी नहीं आई है तो अगर आपने मिर्च अभी लगाई है और आप 3 दिन बाद चोइया करना चाहते हैं तो आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से चोइया कर देना है। अगर खेत के अंदर बीमारी आ चुकी है तो आपको ड्रिंचिंग जो देनी है यानी मतलब चोइया देना है, वो आपको 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देना है
और आप जितना आप पानी लगाना है उस हिसाब से लगा के और लगा दीजिए, आपको बेहतर तरीके से कंट्रोल मिलेगा, यानी मतलब आपको बहुत बेहतर, आपको 101% रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको और कोई भी इसमें दवा मिक्स करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये एक ऐसा टेक्निकल है कि ये सिंगल ही काम करने में कारगर है। ये जाइलम द्वारा काम करता है और फ्लोएम द्वारा भी काम करता है, यानी मतलब जाइलम से ज्यादा बेहतर काम करता है प्लस फ्लोएम से भी काम करता है, तो दोनों रास्तों से काम करता है। इस वजह से इसका जो रिजल्ट है वो 100% है और 101% इसके बहुत ही बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह आप अपनी मिर्च को बचा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको ये लगाने के बाद में हमें जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके कि हाँ आपको 100% रिजल्ट मिला या फिर आपको कुछ कम परसेंट मिला। मैं मानता हूँ दोस्तों 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट के साथ, अपना प्रोफाइल के साथ में। प्रोफाइलर के हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें कि आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं, और उसमें आपको प्रोफाइलर की पूरी जानकारी मिलेगी, यानी मतलब प्रोफाइलर फंजीसाइड की पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।